हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं अजय गेम्स HD और आपका स्वागत है एक और बिकम अ लेजेंड के मोड में। यस, तो हमने न्यू सीजन शुरू हो चुका है लेकिन हमें ट्रांसफर विंडो में कुछ भी नहीं मिला है भाई साहब, क्योंकि जब तक हम समझ पाते सिनेरियो तब तक ट्रांसफर विंडो हो चुकी है गायब। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो आएगी 100% मैं जो है चेंज करूंगा अपने प्लेयर को किसी दूसरे लीग में या इसी लीग में कोई टीम में ट्रांसफर कर दूंगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे कौन सी टीम में मुझे जाना चाहिए। एकदम बड़ी टीम के नाम मत लिखो भाई, क्योंकि मैं उसमें भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है। फिलहाल जो भी छोटे छोटे से क्लब है वहां पे हम ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को फटाफट लाइक मारे, इस वीडियो का लाइक है मैं सिर्फ 150 लाइक, और जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या जहां पे भी आपका फेसबुक का इंस्टाग्राम का कोई भी पेज हो वहां पे जरूर से शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाएं और जरूर फॉलो करें। तो आज के करियर मोड में आज हम कुछ नया करने वाले, मतलब हमारे मैचेस होने वाले, तो देखते हैं आने वाले मैचेस में मैं कितना अच्छा खेल पाता हूं। तो सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है। तो बोर्नमाउथ के साथ हमारा पहला मैच है। तो नेक्स्ट सीजन का जो पिछला हुआ था एपिसोड उसमें तो कुछ खास कर नहीं पाया था, लेकिन आज हम होप करेंगे कि आज कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। लेकिन आज मैंने कुछ और भी सोचा है कि आज कैमरा एंगल जो है मैं चेंज करूंगा और इसे बिल्कुल साइड व्यू में लेके आ जाऊंगा, मतलब जो एकदम साइड व्यू है उसका मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। ओके, कैमरा एंगल, मिड रेंज, लॉन्ग, वाइड, पिच साइड और कहाँ गया, वर्टिकल, वर्टिकल रखूंगा मैं। और काफी मजा आएगा इसमें, मुझे ऐसा लगता है आप लोग जरूर इंजॉय करोगे। तो हियर वी गो, हमारी शुरुआत हो चुकी है। तो अब देखते हैं, बॉल आई है मेरे पास, बहुत ही बढ़िया। अब मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा प्लेयर, क्योंकि मैंने ये कैमरा एंगल जस्ट चेंज किया है तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं कि प्लेयर कहाँ है भाई। ओके, गिव मी द बॉल, गिव मी द बॉल। ओए ओए ओए, ओ भाई साहब, इसे बोलते हैं कैमरा एंगल चेंज किया और हमने कमाल कर दिया। मतलब पहला गोल हमारा ये सीजन का। ये कैमरा एंगल काफी इंटरेस्टिंग लगा यार मुझे, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्लेयर्स कहाँ है। मैं थोड़ा डिफिकल्टी फाइंड कर रहा हूँ कि भाई प्लेयर कहाँ है, ढूंढने पड़ रहे हैं मुझे। लेकिन अगर मैं ऐसा ही कुछ इसके साथ इम्प्रूवमेंट करता रहा तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी इस कैमरा एंगल में खेलना सीख जाऊँगा, ऐसा मुझे लगता है। आई होप सो, मुझे ये कैमरा एंगल थोड़ा पसंद आया तो मैं आज के सारे मैचेस इसी कैमरा एंगल से खेलूँगा। तो कुछ नया भी लगना चाहिए, नहीं तो बोर हो जाते हैं भाई हम ये कि देख देख के। तो कैमरा एंगल बहुत ही बढ़िया, शॉट भाई अंदर बॉल मिली और पहली बार मैंने प्रॉपरली ट्राई किया, बहुत बढ़िया। ओके, ये भी गो, विंग से बॉल चल रही है और मैं अभी बॉल मांग लूँगा अंदर, बहुत बढ़िया। और थोड़ी स्किल मूव देखना पड़ेगा, या क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये ले भाई, थ्रू बॉल है, अंदर डाल दे बॉल अब, बहुत ही बढ़िया बॉल। ओ बहुत क्लोज था यार ये वाला। ओके, गिम्बे आ गया बॉल मेरे पास, फिर से थोड़े स्किल मूव, एक्चुअली इतना पास में ना तो थोड़े स्किल मूव जो मैं कर पा रहा हूँ, मतलब नहीं तो पहले पता ही नहीं चलता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, ओ कॉर्नर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर से विंग में बॉल, अंदर डाल दे भाई मुझे चाहिए बॉल। ओ नो 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 नो, गोल कीपर के पास चलेगी बॉल। ये सीजन में ट्राई करेंगे हमारी नॉर्मल की जो टीम है एटलीस्ट मैं इसको थोड़ा ऊपर उठा दूं मैं, मतलब लास्ट टाइम तक हमने शायद रैंक 7 या 8 ऐसे कुछ पे एंड किया था, 8 या 10 पे शायद एंड किया था जितना मुझे याद है। तो आज मैं ये बार तो चाहूँगा कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूँ और इस क्लब को जो है थोड़ा ऊपर, क्योंकि उन्होंने मुझे चांस दिया भाई ग्रो करने का, तो ऑफकोर्स लॉयल रहेंगे हम इस क्लब के साथ। ओके, नॉविच के पास और मेरे पास आ गई बॉल, बढ़िया बॉल है, क्या आगे बॉल मिलेगी और बहुत ही बढ़िया ट्राई, इससे पहले कि मांग पाता भाई बंदे ने ट्राई ले ली। ओके, फिर से बॉल मेरे पास, ये बहुत बढ़िया। थोड़ा ना आगे वाले स्किल नहीं इम्प्रूव हो पा रहे मेरे से, वो चाहिए थे। गुड बॉल, पास तो दे दिया है। ओके, फिर से विंग में बॉल, आई वांट दिस बॉल, आई वांट दिस बॉल, आई वांट दिस बॉल, आई वांट दिस बॉल। ओ यार थोड़ा सा लेट हो गया। ओके, फिर से बॉल साइड से और बहुत बढ़िया बॉल में वापस रन करेंगे हम इनसाइड, जल्दी से भाग जा। ओके, फिर से बॉल है मेरे पास और मैं यहां से ट्राई लूंगा और रिबाउंड में बॉल मिला और ये गोल। आज कुछ दिन हमारा मुझे लग रहा है भाई साहब कुछ चमत्कारी दिन है आज, मतलब जो मैं ट्राई कर रहा हूँ वो असिस्ट भी बन जा रहे हैं, मतलब क्या बात है ये देखो। हालांकि ट्राई अच्छी नहीं थी लेकिन मेरे पैर के पास सीधी बॉल है और सीधा नेट के अंदर डाल दी भाई बंदे ने बॉल, बहुत बढ़िया दिन है फिलहाल तो मेरे लिए, तो आई एम हैप्पी विद दैट। तो ऐसी परफॉर्मेंस चलती रहेगी तो हमारा कुछ बड़े क्लब से जरूर ऑफर आएगा, ऐसी हम होप रखते हैं। ओके, बढ़िया, काफ़ी कम टाइम बचा है, सिर्फ 1 मिनट बचा है। ओ बॉल छीन ली, ओके नो प्रॉब्लम। तो हमने ये पहला मैच जीता है 2 गोल से
और तुम्हारे भाई की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही इसमें। अजीज तो नहीं मानूंगा मैं उसको कि मैंने ट्राई की थी एक्चुअली शॉट के नहीं। तो ये स्कोर कार्ड रहा, चेल्सी भी हार गई थी लेकिन हम जीत गए। तो अभी हम फिलहाल नंबर 10 की रैंकिंग पे है, ट्राई करेंगे इसे इम्प्रूव करने की। तो हमारे करियर के गोल हो चुके हैं 8, हर करियर असिस्टेंट हुए हैं सिर्फ 4। तो अब तो तुम्हारे भाई की आ गई भाई फोटो भी न्यूज में कि इस बंदे ने किया है कमाल। तो नेक्स्ट मैच में भी हम हैं और नेक्स्ट मैच हमारा होने वाला है आई थिंक लेस्टर सिटी के साथ होने वाला है। तो ये वाला मैच भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्राई करेंगे यहाँ पे भी हमारा जो है तालमेल बरकरार रहे टीम के साथ और मैं ऐसे ही कुछ अच्छे पास और गोल बनाता रहूँ। रोज पार्क स्टेडियम में होने वाला ये मैच, सी वी गो। ओके सो ये हो चुका है गेम शुरू और बॉल कर दी हमने पास, बढ़िया पासिंग चल रही है फिलहाल तो। ओके गिव मी द बॉल भाई साहब, दे सकते क्या आप बॉल मुझे? बहुत बढ़िया बॉल, लेकिन बॉल खराब कर दी मैंने यार। एक्चुअली मैं सोचा था कि लॉन्ग रन हो जाएगा इससे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओके बॉल है अंदर, अंदर भागो भाई, बॉल डाल भाई साहब। ओ नो यार, मेरी की कुछ बंदे को लग गई लेकिन वो होनी चाहिए थी, कुछ उल्टा हो गया। तो ये भी गो फर्स्ट हाफ कुछ खास हुआ नहीं लेस्टर सिटी वाले मैच में फिलहाल। तो पहला हाफ 0-0 दोनों टीमों के स्कोर, सेकंड हाफ शुरू होता हुआ यहाँ से। ओके थोड़ा मेरे प्लेयर का फिटनेस लेवल भी खराब हो रहा है भाई, वो जरा बंदा बेचारा कर नहीं पा रहा है। ओके 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 नहीं ये तो नहीं मिलेगी बॉल हमको। ओके विंग में बॉल है, वापस कॉर्नर से बॉल आई है मेरे पास और मैंने फिर से ट्राई की लेकिन और एक और ट्राई। कम ऑन ये गोल चाहिए हमको, कोई मैच हारना ही नहीं है मुझे। ओके फिर से बॉल आ गई विंग में मेरे पास, जल्दी से बॉल पास की जाए और बहुत ही बढ़िया बॉल मिली वहां पे और बॉल मिस और ये मैं ट्राई लूंगा। क्या बात है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया भाई साहब। एक और गोल और थोड़ा लकी गोल बोलूंगा इसको, ऐसे कोई परफेक्ट गोल नहीं है, लकी गोल है ये। और लकी इसलिए है कि मैंने जो ट्राई की थी मतलब पास देने की ट्राई की थी वो किसी और के पास चले गई, सामने बंदे ने किसी और को रोक दिया और भाग्य का साथ और बॉल मिली हमें, काफ़ी अच्छा। ये देखो यहाँ से मैंने पास किया था लेकिन पास इतना फास्ट हो गया कि बंदे को समझ नहीं आ रहा, यहाँ से बॉल मिस हुई और हमने बिल्कुल कोना ढूंढ लिया उसके लिए और यहाँ से गोल स्कोर किया है, बहुत बढ़िया। आई लाइक इट, बहुत बढ़िया। यहाँ से गोल नहीं होता तो फिर कहाँ से होता था गोल, बिल्कुल डी बॉक्स के ऊपर थे हम लोग और सिर्फ प्लेस करने की जरूरत थी और बढ़िया प्लेसमेंट और नेट के अंदर बॉल शानदार और डांस के साथ खत्म किया हमने। ओके ये लो बहुत ही बढ़िया बॉल है भाई साहब। ओ यार अच्छी थी, मेरे वाले प्लेयर भी थोड़े वीक है बेचारे। ये लो एक और बॉल, बहुत बढ़िया बॉल, अब इन डाल दे भाई इन डाल, अब डालेगा क्या? नहीं डालता। ओ ओ नो यार कम ऑन, ये बढ़िया बॉल ली थी मैंने चेस्ट पे और मिल सकती थी। ओ नो नो अब तो पूरे बॉल ही खराब हो रही है। ओके बढ़िया पास, नहीं अब छीन लिया भाई बंदे। ओ सामने से गई यार मेरे। ओके कॉर्नर यहां से और क्लियर। ओके तो 1-0 से हमने ये मैच जीता है। इस मैच में भी हमारा एक गोल है, मतलब दिन कुछ अच्छा चल रहा है हमारा आज, नज़र ना लग जाए भाई किसी की। 66 मिनट में मैंने ये गोल स्कोर किया था, काफ़ी बढ़िया मैच रहा, नॉर्विच ने जीत लिया मैच, बाकी सबके मैच ड्रॉ रहे। हमारी रैंकिंग में उछाल नंबर 7 पे आ चुके हैं हम और तुम्हारे भाई के करियर गोल हो चुके हैं 9 और करियर असिस्ट हो चुके हैं 4। ये भी थोड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए ताकि आने वाले मैचेस में भी हम रहें और कुछ ऑफर भी मिलते जाएं, क्या पता कब मिलेंगे, लेकिन देखते हैं। फिलहाल तो हमें करनी पड़ेगी मेहनत थोड़ी। ओके फॉरवर्ड नेक्स्ट टाइम करना पड़ेगा, नेगोशिएशन तो कुछ है नहीं फिलहाल। अब हमारा यूफा यूरो लीग का मैच है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है, इसमें मैच जीतना ही पड़ता है, अगर मैच नहीं जीतते कोई रिजल्ट नहीं आता तो कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। फिलहाल हमें पिछला मैच जो था इसमें जीत लिया था और आज हमारा मैच है एल जी जेड के साथ, मुझे नाम तो नहीं पता इस टीम का कौन सी है लेकिन एल जी जेड अच्छा फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म। UEFI यूरो लीग इसमें जीतना बहुत ही जरूरी, जीतना है हमको, जीतना है। ओके तो सीधा मैच की तरफ आते हैं, ये प्रेजेंटेशन नहीं देखने वाला हूं मैं। ओके गुड पास,
हमारी टीम में भी थोड़ा जोश बरकरार हो चुका है, पता नहीं क्या चक्कर क्या है, बस अच्छे पासिस कर रही है फिलहाल अभी। ओके बॉल, ओ क्या बात है, मेरा बढ़िया पास और बॉल बढ़िया डीली है और अंदर डाल दे मेरे भाई बॉल, बहुत बढ़िया बॉल। अब मैं किसको दूं? ओके ओके किसको दी जाए, अब दे भाई। ओके अब यहां से ये लो फिर। ओ यार थोड़ा बाहर चला गया, तो काफी अच्छा था ये शॉट, गुड बॉल। अंदर डालेगा क्या? बढ़िया बॉल, गुड गुड गुड, क्या बात है। थोड़े स्किल और अच्छे हो जाए मेरे तो मैं आगे कट भी कर लूँ, क्योंकि स्पीड नहीं है मेरे पास। गिव मी द बॉल, गिव मी द बॉल, गिव मी द बॉल, गिव मी द बॉल। और ओ हेडर मिस कर दिया हमारे प्लेयर ने। ओके फिर से विंग से अटैक हमारा, मेरे पास बॉल है और थ्रू बॉल डाल दिया मैंने विंग्स में फिर से, और इसी के साथ अंदर डालेंगे बॉल वापस, मुझे करेंगे देखना पड़ेगा। मुझे बॉल मिल गई वापस और मैं यहाँ से दूंगा ये लो पास। ओ यार बढ़िया पास था, यहाँ से क्या करेंगे अब? ओ नो यार हर बार नहीं चलने वाला, ये मरवा रहे हैं ये तो। तो फर्स्ट हाफ 0-0 थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस रही, हमारी अटैक अच्छी रही लेकिन गोल काउंट नहीं कर पाए अपने खेमे के लिए हम, जिसका बड़ा खेद है हमको। ओके सेकंड हाफ, ओके फिर से बॉल है विंग में और बढ़िया बॉल मिली यहाँ से, शूट। ओ लेफ्ट फुट वीक है हमारा लेकिन मैंने ट्राई तो कर ही ली थी, क्या करते हैं, बहुत ही बढ़िया बॉल यहाँ से। अब बॉल अंदर डालेंगे क्या मुझे? आप बॉल डाल दो डाल दो डाल दो भाई, और यहाँ से यस, आज है बात पूरे जज्बात के साथ और बहुत ही बढ़िया गोल भाई साहब, बड़ा मतलब अगर मैं दो टच में रहता ना तो ये गोल नहीं होता, फर्स्ट टच जो किया है उसी में गोल हो सकता था और वही हुआ है, बहुत ही बढ़िया। अब लग रहा है कुछ हम बिकम अ लेजेंड मोड के प्रॉपर रोड पे हैं जरा, नहीं तो होना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पिछले सीजन में तो हमने शायद 7 गोल किए थे नहीं मुझे डाउट है। बहुत ही बढ़िया पास यहाँ पे और अच्छा थ्रू बॉल छोड़ दिया और यहाँ से पास, ये देखो फर्स्ट टच में हो गया इसलिए गोल हुआ, अगर मैं दो टच बनाता तो ये गोल नहीं होता था, 100% नहीं होता था। वैसे तो पास काफ़ी अच्छा दिया बंदे ने, असिस्ट किया। यहाँ से हमने बाहर की तरफ भागे और बढ़िया हल्का सा फ्लिक कर दिया और ऊपर की तरफ भाई बॉल, और यहाँ पे गोल हमें जो है मिल चुका है। ओके सो हियर वी गो, और बहुत ही बढ़िया बॉल फिर से और मैं वापस दूंगा बॉल। ओके अब अंदर डाल भाई। ओ यार अगर ये सामने, ओ नहीं 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 भाई ये क्या कर दिया, नहीं यार बुकिंग नहीं प्लीज, सीधा येलो मिला है, कोई प्लीज नहीं सुनिएगा, अब क्या करें कुछ नहीं कर सकते, हमने सीधी स्लाइड कर दी और सीधा बेचारा उड़ के मेरे खोपड़िया पे आ गया। ओह बहुत बढ़िया पास, एक और बढ़िया पास, तो अंदर डाल दे भाई बॉल ये। ओ नहीं यार ये मिस नहीं हो सकता था। ओके एक हेडर की ट्राई लेकिन हुआ नहीं मेरा भाई। तो ये मैच भी हमने जीता है सिर्फ एक गोल से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था हमारे लिए, क्योंकि ये वाले ग्रुप स्टेज में हमको ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, आज तो हमने कपड़े भी उतार दिए, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ रैंकिंग टेबल में जितना ऊपर रहे उतना ही अच्छा है। तो ये देखिए सबने मैच एटलांटा ने जीता है, बाकी ने तो ड्रॉ खेला है, हमने ये मैच जीता है और बेलेसिस ने मैच जीता है 4 गोल से और क्लब रग ने भी जीता है। तो एटलांटा बची है हमारे पास, जिससे हमारा मैच हुआ नहीं, जिससे हम मैच करेंगे। तो अब हमारे गैरेट गोल हो चुके हैं 10 और असिस्ट हो चुके हैं 4। तो अब देखना है आने वाले टाइम में क्या होता है। ओके तो नेक्स्ट मैच किसके साथ? हमारा वॉटफोर्ड के साथ है, ये मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई भी प्रीमियर लीग का मैच हारें, एटलीस्ट ड्रॉ तो भी करें, हारना मुझे गवा नहीं है बार, क्योंकि लास्ट टाइम के जो हमने मैच खेले थे, जो लास्ट के हमने आई थिंक 6 या 7 मैच खेले थे उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, हमने मैच हारे नहीं थे, मतलब भले ही हम जीते नहीं लेकिन हम हारे भी नहीं, तो एक एक पॉइंट तो बढ़ता ही गया एटलीस्ट हमारा। ओके तो मैदान भी रेडी है और हम भी रेडी हैं, तो हियर वी गो। ओके
वॉटफोर्ड की ठीक अच्छी टीम है वैसे, लेकिन हमारे मुकाबले शायद मुझे लगता है कि उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन देखते हैं अब। बहुत बढ़िया बॉल अंदर डाल दिया हमने भी। विंग में बॉल आई है और अब अंदर आई है बॉल हमारे पास, और बढ़िया हेडर, लेकिन हेड से कब गोल होगा मेरा पता नहीं। अब डाल भाई बॉल, अब डाल। ओ ये ले, अरे नहीं, अरे यार एक पैर लगाने की जरूरत थी बस। कोई नहीं, फिर से विंग में बॉल, बॉल अंदर आ जाएगी तो बहुत बढ़िया। अंदर आई और यहाँ से पास दूंगा मैं अब, ये ले और गोल। ये असिस्ट हुआ है मेरा, अब ये तो असिस्ट है, 100% असिस्ट है। बढ़िया बॉल था, वहां से मैंने पास किया और असिस्ट हो चुका है, तो आई थिंक ये एक असिस्ट तो काउंट होना चाहिए मेरा। ये देखो यहां से बॉल अंदर डाले, बंदे ने स्लाइड करके मारा है, इसीलिए गोल हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा बॉल थोड़ी सी बाहर चलेगी, गोल कीपर ने बड़ा छोड़ दिया बॉल एकदम से। एक्चुअली शायद उसके ऊपर स्क्रीन लग गई है, उसको लगा स्लाइड कर रहा है इसलिए कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं तो ये बॉल रुक जाती थी ऐसा मुझे लग रहा था। ओके बढ़िया पास, ये भी गो, ओ क्या बात है, ये लो। ओके तो फर्स्ट हाफ ओवर, हमने स्कोर किया है एक गोल जिसमें हमारा असिस्ट है। ओके सो ये भी गो, बढ़िया बॉल है अंदर, वापस करूंगा मैं इसको भी, ये ले भाई। और फिर से, ओ भाई साहब हेडर में गोल किया है मेरे मित्र ने, कौन है ये, क्या बात है, थॉमसन ने गोल किया है भाई। बढ़िया बॉल मिली एकदम थॉमसन को और हेडर डाल के गोल कर दिया, तो अब थोड़ी जीत और पक्की हो गई। यहाँ से बॉल मैंने पीछे पास की और मैं तो कर नहीं सकता, इसने असिस्ट किया है, बहुत बढ़िया। और हियर वी गो, गोल गोल ही तो चाहिए हमको इस गेम में, और क्या चाहिए। बहुत ही बढ़िया पास, यहाँ से बॉल अंदर और सीधा नेट के अंदर, बहुत ही मज़ेदार। ओके बॉल बढ़िया है, यहाँ से रोको रोको भाई, ओ नो यार लगा ही मुझे, मैं बोले रोको रोको, ये बंदा बहुत फास्ट आ रहा है, और वैसा ही हुआ, कुछ नहीं कर सकते इसमें। बढ़िया गोल था यार, आई अप्रिशिएट, बढ़िया गोल, नो डाउट एट ऑल। ओके ही वी गो, यहाँ से अब बॉल डाल दे भाई अंदर, अब चाहिए बॉल अंदर, अब चाहिए बॉल अंदर, डालो ये फिर से, क्या बात है, फिर से वो एज वाला गोल, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खुश हम, क्योंकि हमारा यहाँ पे गोल करना बहुत जरूरी था। तो अब 3-1 हो चुका है, तो यहाँ से तो ये लोग वापस आ नहीं सकते, अब देखते हैं पड़ेगा। क्या बात है, न्यू सेलिब्रेशन कैसा लगा आपको मेरा, ये भी गो, बहुत बढ़िया, लोग इतने खुश है, कूद कूद के दूसरे के ऊपर जा रहे हैं भाई। ओके ये बढ़िया बॉल मिल गया मुझे अंदर, वापस वही वन टच वाली सीन हो गया, ये बॉल अंदर आया और हमने वन टच ही किया और बॉल सीधा नेट्स के अंदर, और हमारे लिए फायदा, एक गोल का इजाफा हमारे निजी में और टीम के स्कोर में भाई। बढ़िया बॉल और वैसे ही अंदर, भाई बंदे ने स्लाइड करी थी, बॉल रुक जाती थी अगर मैं थोड़ा रुक के खेलता तो, लेकिन हमने भी रुकना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा भाई, बाय बाय कर दिया वहाँ से। बढ़िया बॉल छोड़ा है भाई, ले ले अब, मुझे नहीं लगता है पकड़ पाएगा। ओके क्लियर ही कर दिया, चलो क्या करेंगे हम। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन भी कर दिया इन लोगों ने, हम भी बड़ी शांति से बाहर जा रहे हैं, हमने एक गोल स्कोर किया तो हमको टेंशन नहीं है अब कि भाई तुम क्यों बाहर निकाले और कैसे बाहर निकाले। बहुत ही बढ़िया, यहाँ से स्किप करते हैं हम पार्ट, देखते हैं क्या होने वाला है, देखता हूँ मेरी टीम में क्या करती है इसके बाद। ओके गुड बॉल, बहुत ही बढ़िया, ड्रिबलिंग भी अच्छी चलती थी। ओके मेरी टीम भले टाइम पास कर रहे हैं, अब साफ दिख रहा है। तो हमने ये मैच जीता है 2 गोल से, 1-3 स्कोर था, वॉटफोर्ड ने जी नहीं हार गई है, लेस्टर सिटी भी हार गई है, बोर्नमाउथ भी जी के, देखते हैं। हमारी रैंकिंग नंबर 5 हो चुकी है, काफ़ी अच्छा चल रहा है फिलहाल, देखते हैं इसको कुछ और आप कर सकता हूँ क्या मैं, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो नेक्स्ट मैच है हमारा न्यूकासल यूनाइटेड के साथ, और ये FA कप का मैच होने वाला है, ये प्रीमियर लीग का मैच नहीं है, कप का मैच है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए FA कप का मैच। अगर ये मैच भी हम जीतते हैं तो ही हम जो है इस कंपटीशन में रह पाएंगे, अगर हम ये मैच नहीं जीतते हैं तो हम ये कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि नॉकआउट स्टेज में चल रहा है।
तो हमको बाहर नहीं होना है, हमको इसमें इन रहना है। तो ट्राई करेंगे कि ये मैच जीते हम एफए कप के। और न्यूकासल यूनाइटेड काफ़ी अच्छी टीम है, लेकिन अब हमारी टीम भी थोड़ी अच्छी बन चुकी है, तो हम होप करते हैं कुछ अच्छा हो जाए। सो हियर वी गो, स्टार्ट कर दिया हमने यहाँ पे। ओके, गिव मी द बॉल भाई साहब, बढ़िया बॉल विंग्स में। और क्या मेरे पास आएगी ये बॉल? जी हाँ, मेरे पास बॉल आई है ये। और अब ओके, बढ़िया पास, फिलहाल तो पीछे खेल रहे, बॉल आगे मिली नहीं हमको अभी तक। डाल दो भाई बॉल, डाल भाई बॉल। अरे नहीं यार, थोड़ा पीछे रह गया मैं, कोई बात नहीं। फिर से विंग में बॉल अंदर डाला है, थ्रू बॉल, और क्या ही अंदर आएगी हमारे पास, और आई है, और हमने दिया पीछे पास, क्योंकि वहां से कोई जगह ही नहीं थी मारने की। ओके शूट, ओ भाई साहब, ये गोल हो जाना चाहिए था वैसे। यहाँ से बॉल किसको दी जाए, मैं खुद ही ड्रिबल करके बाहर डाल देता हूँ बॉल। ओके भाई, अब डाल अंदर, ये लो। ओ भाई, बहुत ही बढ़िया हेडर था। अब थोड़ा समझ रहा हूँ मैं इस गेम को, पहले उतना कुछ समझ नहीं पा रहा था करियर मोड को, लेकिन अब थोड़ा बहुत समझ चुके। और ये लो थ्रू बॉल भाई, अब गोल होना चाहिए यहाँ से। बढ़िया असिस्ट है, यस, क्या बात है, अब आ रहा है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते थे कि भाई लेजेंड जो है ना, पास भी करता है, क्रॉस भी डालता है, तो आज तो सब कुछ ही कर रहा है यार मैं तो। आज तो लाइक धमाकेदार बनते हैं, बहुत ही बढ़िया बॉल, और सीधा गोल के अंदर, नो डाउट एट ऑल। ओके बढ़िया बॉल भाई, बढ़िया मारा बंदे ने, क्या बात। ओके ज्यादा बैकफुट में ना खेलो भाई। सो हियर वी गो, फर्स्ट हाफ 1-0, सेकेंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है यहाँ से। अब देखना है क्या होता है यहाँ पे। ओके बढ़िया बॉल है मेरे पास, और मैं देना चाहूंगा इसे राम प्रकाश के पास, और राम प्रकाश के पास बॉल, और मुझे वापस करो भाई, बढ़िया बॉल। ओ नहीं यार, ये क्या किया, इतनी जल्दी थी कि बाहर ही मार दिया मैंने, क्या बताऊँ अब मैं तुमको। गिव मी द बॉल। ओके खाली यहाँ से ट्राई कर सकता हूँ मैं, अरे क्रॉस बार, अच्छा ट्राई था यार, ये तो हो सकता था, लॉन्ग रेंज शूट का मेरा पहला गोल होता है। अरे यार, क्रॉस बार में लगा जाके वहाँ पे साइड में, हो सकता था ये, बहुत ही निराश हम इस शॉट से, लेकिन अब क्या किया जाए। ओके विंग्स में बॉल वापस, इनसाइड आने की ट्राई, और दे मेरे भाई, और बॉल मिली मेरे दोस्त को, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं है, और गोल कर दिया भाई उसने, किसने बोला कुछ हुआ नहीं है, गोल कर दिया है, क्या बात है। और समर सॉल्ट भी मार दिया भाई बंदे ने, बहुत ही बढ़िया यार, मुझे लगा शायद बॉल आए, बहुत अच्छा। ओके अरे अच्छा चांस था, ओ नहीं, टीम मेंबर ही बहुत तगड़ा खेल रहे हैं आज, तो मजा आ रहा है। ओके तो ये मैच भी जीता है हमने 2-0 से भाई साहब, बहुत मजा आया आज के एपिसोड में, लोग लड़ रहे हैं आपस में, और हमारी टीम खुशियां मना रही है क्योंकि हमने ये मैच जीत लिया है। तो ये वी गो 2-0 से हमने ये मैच जीता है, इसमें सिर्फ क्रिस्टल पैलेस ने 4 से जीता था। तो अब हमारा नेक्स्ट मैच किससे होगा, मैनचेस्टर सिटी भाई साहब, कतई जहर टीम है, उसके साथ मैच होगा, पता नहीं वो जीतते हैं हारते हैं, लेकिन मज़ा ज़रूर आने वाला है। तो मेरा मुझे लगता है कि आज का एपिसोड मैं यहीं तक करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो फटाफट लाइक मारना तो बनता ही है, और शेयर ज़रूर करें, अगर अब तक आपने शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर करें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे या मेरे फेसबुक पेज पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज़रूर जाएं। और अगर आपने ये गेम खरीदनी है, कुछ करना है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जाके गेम CCD आप खरीद सकते हैं। PS4 की बहुत अच्छी डील चल रही है फिलहाल, आप वो भी ग्रैब कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू बाय फ्रॉम Amazon या ऑनलाइन, तो वहाँ पर भी आपको ऑनलाइन की फुल वारंटी मिल जाएगी, तो वो भी चेक कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़ गाइज, लव यू ऑल।